चलो तो रिकॉर्डिंग गाड़ी तो बब बब चलो कहां जाए अब के ओकर लागल है वीडियो रे चलो 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 माने के तो बाबा ना बात बोल दे देखिए उमर विनीत के मैं तस्वीर दिखाने का प्रयास कर रहा हूं हमारा कैमरा वाले लेकर दिखा रहे हैं बोल दिया हूं तो अरे सब मत यानी उमर विनीत पर हो रहा है और पवन सिंह के काफिला के पीछे पीछे हम लोग लाइव दिखाने का देखिए ये तस्वीर है ये तस्वीर जूम करके दिखाइए ना विनोद जी दिखाइए तस्वीर स्कॉट के पीछे पीछे चलिए चलिए थोड़ा और स्पीड कर दीजिए हमारा गाड़ी अरे मुड़ते हैं अरे ये तस्वीर दिखाइए आराम से आराम चका पका जब ज्यादा ना एकदम जूम हटा दीजिए फुल बा ना तो फेंका नहीं धीरे धीरे जूम करके दिखाते रहेंगे एकदम स्क्रीन पर टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाने का प्रयास करेंगे इस तरह से यानी पवन सिंह यानी अपने काफिला के साथ कोर्ट में पहुंच रहे हैं और क्या होगा ये देखना होगा कि क्या ज्योति सिंह और पवन सिंह एक होंगे कि या नहीं होंगे ये महत्वपूर्ण विषय हमारे दर्शकों को जानना बहुत जरूरी है ये देखिए ये काफिला है देखिए काफिला दिखाने का प्रयास करें यही काफिला है दर्शकों को बता दें ये बहुत मेहनत कर रहा है भगवान गाड़ी पर लिखा हुआ झारखंड नंबर है बहुत सारा बिहार नंबर है बहुत सारा बंगाल नंबर है गाड़ी आ गया है लगातार दिखाने का कोशिश कर रहे हैं ड्राइवर साहब क्या कहिएगा एक नंबर एकदम लगे हुए हैं हम भी हाँ बिल्कुल लेकिन आप थोड़ा एक्सपीरियंस ज्यादा होना चाहिए देखिए ये काफिला का तस्वीर दिखाने देखिए ये तस्वीर है ये बहुत तस्वीर अनोखा मैंने दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ हमारे ड्राइवर साहब बहुत खुश हो गए खुश हो गए चलिए प्रेम जी लगातार हमारे प्रेम झील के स्टूडियो के मालिक है अच्छा अच्छा ठीक है इसीलिए अथी है आपका देखिए उसी फॉर्चुनर में है इसी वाले में हम कोशिश करते हैं कि वो दिखाए 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 स्कॉट के पीछे है कैमरा दिखा रहे हैं देखिए मैं अपने दर्शकों के दिखाते चलेंगे महत्वपूर्ण ये अनोखा तस्वीर है ये पल पल के तस्वीर दिखाने का प्रयास चलिए इस लेटर लीजिए भैया इस लेटर लीजिए इससे गाड़ी के आगे कर दीजिए भैया प्लीज आप आरती न्यूज के मैं खड़ा उतरने के लिए प्रयास करता हूँ क्योंकि यह आरती न्यूज का पहली तस्वीर मैं अपने कोर्ट के परिसर में जाते हुए ये पवन सिंह के काफिला को मैं दिखाने के प्रयास कर रहा हूँ ये सबसे बड़ी खबर बहुत बड़ी खबर है जो कि आरा में पहुंच गए हैं पवन सिंह लगातार मैंने आखिरी टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाने का प्रयास कर रहा हूं और यूट्यूब पर आप लोग देख रहे हैं फेसबुक पर देख रहे हैं तो शेयर करेंगे क्योंकि मैं विजुअल के माध्यम से दिखा रहे हैं अपने ये देखिए कैमरा पर्सन हमारा विनोद जी लगातार दिखाने का प्रयास कर रहे हैं अपने देखिए स्क्रीन पर लाइट मार दीजिए भैया लाइट मार दीजिए कोई दिक्कत नहीं अरे कही है ना कि देखिए विनोद जी लगातार हमारे साथ बिल्कुल तक हम लोग जा रहे हैं निकल जाइए भैया इससे निकल जाइए ये फॉर्चुनर से निकल जाइए ये इनोवा है क्या हाँ चलिए निकलिए देखिए आखिरी तस्वीर दिखाने का प्रयास करो निकलिए देखिए भाई निकलिए एकदम बहुत सोली एकदम एक्शन था आइए पूरा प्रयास जारी है मेरा बहुत प्रयास जारी है बाकी प्रयास सफल होना चाहिए यार चलते चलते हम लोग वहाँ पर हमारे इधर साजिए अरे हम लोग मीडिया प्रशासन है यार एक झलक दिखाने का प्रयास करेंगे देखिए किस तरह से पवन जी के पास चलिए ना यार चलिए कोशिश जारी है मेरा अगर हम चाहें तो पवन सिंह के जो है गाड़ी तक पहुंचा दे लेकिन जो है दुर्घटना से देर भली लगातार आप लोग देखते हुए होंगे इस टाइप का स्लोगन तो थोड़ा सा सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए हम लोग गाड़ी भी चला रहे हैं निकलिए भैया आप ये तस्वीर क्यों सुस्त हो जाते हैं चला रहे हैं ये तस्वीर है यह अनोखा तस्वीर मैंने पवन सिंह के ये काफिला को पीछे पीछे मैं गुजर रहा हूँ ये दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ किस तरह से पवन सिंह ये कोर्ट में परिषद में पहुँच रहे हैं यानी ज्योति सिंह और पवन सिंह के तलाक प्रकरण में ये क्या होगा फैसला ये देखना होगा ये सबसे महत्वपूर्ण विषय पर और खबर पर हम लोग लगातार बने हैं और दिखाते रहते हैं क्या हुआ क्या नहीं हुआ ये कोर्ट का परिषद है देखिए किस तरह से पवन सिंह चलिए कोर्ट नजदीक आ गया सर
बोट वही मारी ना पीछाऊन लागल बड़े साइड मांगती है कोर्ट के परिषद में अब हम लोग इन करेंगे, वहाँ पर भी मीडिया कर्मी बहुत होंगे। मीडिया कर्मी का बहुत चले था, ये सब चले था, ये सब देखिए सबसे बड़ी खबर, ये काफिला का है, ये आरा का, ये थी कोर्ट परिषद रामना मैदान को मैंने तस्वीर दिखा रहे हैं। पीछे पीछे हम लोग हैं काफिला, और आगे पीछे गाड़ी लगा हुआ है, गाड़ी का स्कोर्ट हुई हुई कर रहा है, लेकिन हम लोग चलने की कोशिश कर रहे हैं, लगातार जो है चल रहे हैं। इसके अंदर देखिए जो है कोर्ट परिसर के पास जो है अभी पवन सिंह का गाड़ी पहुंच चुका है, और थोड़ी देर में ही जो यहां पे उतरेंगे, और उतरने के बाद जो है उनका कोर्ट में जो है तलाक प्रकरण के लिए जो अब यहां पे सुनवाई होनी है उसके बारे में जो क्या कुछ होता है तुरंत हम उसको अपडेट देंगे। बने रही हमारे साथ वीडियो में। बिल्कुल देखिए यही कारण है कि पवन सिंह कहीं ना कहीं जाते आते हैं तो हंगामा होता है। चलिए आप हमको बताइएगा, आप हमको बताइएगा, देखिए स्कॉर्पियो लेकर मीडिया को आप रोकिएगा, आप बहुत बड़का अथी हो गए हैं। चलिए चलिए देखिए सबसे बड़ी खबर आरती न्यूज पर मैं बताने का प्रयास कर रहा हूँ, किस तरह से हुजूम पवन सिंह का आज एक स्टीयरिंग पे हम उतर जाएंगे। जब यहाँ पहुंचे तो यहाँ पे लाठी चार्ज कर दी गई, इतना ज्यादा भीड़ हो गया यहाँ पे कि इसको कंट्रोल नहीं कर पाई प्रशासन ने, यहाँ पे जो है लाठी चार्ज भी करना पड़ा। देख पा रहे होंगे यहाँ पे किस तरीके से प्रशासन के द्वारा जो है लाठी चार्ज कर दिया गया है, और हम इसको लगातार जो है कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। कवर को देखिए यहाँ पे जो है प्रशासन ने लाठी चार्ज कर दिया, और पवन सिंह जो है कोर्ट परिसर के अंदर जो है घुस चुके हैं। न्यायमूर्ति स्मृति द्वार के द्वारा यहाँ पवन सिंह जो है प्रवेश कर चुके हैं। न्यूज वाला इतना पीछे रहा है। बिल्कुल बिल्कुल यही है हम लोग लगातार कवर कर रहे हैं और दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए तमाम जो है यहाँ पे मीडिया कर्मी बहुत सारा भीड़ लग चुका है।